उज्जैन के सिंहस्थ क्षेत्र में बने मकानों को तोड़े जाने के विरोध में पीड़ित परिवारों ने कांग्रेस के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव किया और कार्रवाई को रोकने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन दिया। प्रदर्शन के दौरान दो महिलाओं और एक पुरुष की हालत बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भिजवाया गया। पीड़ितों ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं रोकी गई तो पीड़ित अपने परिजनों के साथ कांग्रेस की अगुवाई में उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। में हमने पूरा क्लियर उन्हें बताया कि किस प्रकार से एक मजबूर व्यक्ति ने जमीन बेची जो उसकी निजी जमीन थी, और वहां पर दूसरे व्यक्ति ने खरीद करके, क्योंकि उसे सस्ते में मिल रही थी, उसने मकान बनाया। अब इसके बाद में जब रजिस्ट्री हुई है और ये सब हुआ है, तो हम तो सीधे कह रहे हैं ना कि इसमें अधिकारियों का दोष है। तो अभी आप लोगों से हमारी क्लियर बात हुई है बैठ करके, और जो निर्णय की स्थिति बन रही है वो ये कि वो कलेक्टर साहब के साथ में बैठ करके समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक के बाद में जो भी निर्णय निकलेगा वो बताएंगे। लेकिन हाँ, एक बात फिर कान खोल करके सुन ले पूरा प्रशासन कि गलती तो उनसे हुई है, मकान तो हम नहीं तोड़ने देंगे, एक भी मकान नहीं टूटेगा। जीवाजीगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में अभी यहाँ पर सभी कॉलोनियों के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनके द्वारा एक विस्तृत रूप से ज्ञापन सौंपा गया है। उस ज्ञापन के अंतर्गत उनके द्वारा मांग की जा रही है कि जो कार्रवाई सिंहस्थ क्षेत्र में हो रही है उन पर रोक लगाई जाए और आगे विधि सम्मत उसमें कार्रवाई की जाए। तत् संबंध में हमारे द्वारा ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। ज्ञापन का विधि अनुसार परीक्षण करके जो भी नियमानुसार चीज़ें तय होगी उसको उस हम लोग निर्णय करके